गुड मॉर्निंग क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज. प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 19. सो आर चैप्टर 4 इज लिविंग टुगेदर. लिविंग टुगेदर का मतलब क्या, इकट्ठे रहना. इस चैप्टर के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि जब हम लोग इकट्ठे रहते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. सो पीपल लाइक टू लिव टुगेदर. पीपल जो लोग हैं उन लोगों को इकट्ठे रहना अच्छा लगता है. वी लाइक टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमें दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. वी लाइक टू बी विद अदर पीपल एंड टॉक टू देम. हमें दूसरे लोगों से भी बात करना और मिलना अच्छा लगता है. सम रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली. कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम जो है इकट्ठे अच्छे और खुशी से रह सकते हैं. जो कि क्या है, शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब होता है कि जब हम दूसरे के साथ रहते हैं तो हम अपनी चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं. डू यू शेयर समथिंग विद अदर्स? कि आपने कभी किसी दूसरे के साथ कोई चीज़ शेयर की? थिंक ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स. डू नॉट ईट ऑल द फूड देमसेल्व्स, दे शेयर इट विद द होल फैमिली. कि जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग खाना जब खाते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ना कि हम सारे का सारा खाना खुद खा लेते हैं. तो दिस इज शेयरिंग. नेक्स्ट इज टॉकिंग टर्न्स. ठीक है, टॉकिंग टर्न्स का क्या, टेकिंग टर्न्स. ठीक है, टेकिंग टर्न्स का क्या मतलब होता है कि अपनी ही बारी पे जो है काम करना. इफ मैनी पीपल वॉन्ट टू यूज द सेम थिंग दे टेक टर्न्स. ठीक है, कि अगर बहुत सारे लोग एक ही काम करना चाहते हैं तो वो अपने टर्न का वेट करते हैं, अपने टर्न पे वो काम करते हैं. वन यूज फर्स्ट, कोई पहले टर्न पे आता है, फिर देन उसके बाद, एंड देन उसके बाद वो टर्न्स चलती रहती हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट पर्सन रह जाता है. डू यू टेक टर्न्स वेन? क्या आपने कभी टर्न्स ली हैं, एंड वेन और कब? ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्वीन. क्वीन का मतलब होता है लाइन बनाना. ठीक है, अ क्वीन इज अ क्यू इज अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग. ठीक है, वी वेट इन अ क्यू वेन वी वॉन्ट टू बाय अ रेलवे टिकट. वी क्यू टू एंटर अ बिल्डिंग और गेट ऑन अ बस. वट माइट हैपन इफ पीपल डू नॉट क्यू? ठीक है, कि अगर हम लोग लाइन्स ना बनाए तो फिर क्या होता है. हम लाइन बनाते हैं जब हम लोगों ने ट्रेन की टिकट्स लेनी होते हैं. इवन हम लोग लाइन स्कूल में भी बनाते हैं जब हमारी जो है छुट्टी हो जाती है, तो हम लोग एट दैट मोमेंट, तब भी हम लाइन बना के, क्यू बना के जो है हम लोग अप स्टेज से डाउन स्टेज जो है हम लोग जाते हैं. तो अगर हम लोग लाइन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा वहाँ पे रश क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पीपल जो है मे बी इंजर्ड, समटाइम जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज फीलिंग्स. फीलिंग्स का मतलब होता है कि क्या आप क्या फील करते हो, क्या एहसास आता है आपके. व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले होते हो, यू मे फील सैड एंड लोनली. तब आप क्या फील करते हो, सैड और लोनली फील करते हो. इफ समवन इज अनकाइंड, अगर कोई आपके साथ अनकाइंड है, ठीक है, या कोई भी अनकाइंड है, इट माइट टेक मेक यू फील अपसेट. तो वो आपको क्या कर देता है, अपसेट कर देता है. व्हेन यू आर हैविंग फन और डूइंग गुड थिंग्स, यू विल प्रोबेबली फील गुड. ठीक है, जब आप खुश होते हो, अच्छे काम करते हो, तो उस टाइम पे आपको कैसा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है. वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स. हमारे अंदर बहुत सारे, अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स. अली और काशिफ दोस्त थे. काशिफ हैड अ काइट एंड अली वॉन्टेड इट टू. काशिफ के पास जो है काइट थी और अली भी चाहता था कि उसके पास भी काइट हो. दे बोथ पुल्ड एट द काइट एंड इट टोर. दोनों क्या थे कि काइट को खींच रहे थे. काशिफ वॉज एंग्री. काशिफ एंग्री था. वाई वॉज ही एंग्री? वो एंग्री क्यों था? वॉज अली एंग्री टू? क्या अली भी एंग्री था? सो बेसिकली क्या था कि काशिफ के पास काइट थी और अली के पास काइट नहीं थी. तो अली जो था वो भी चाहता था कि उसके पास काइट हो, इसलिए वो काशिफ की काइट को क्या कर रहा था, खींच रहा था, जिसकी वजह से काशिफ को भी गुस्सा आया और जिसकी वजह से अली को भी गुस्सा आया, और वो दोनों में क्या हो गई, फाइट स्टार्ट हो गई. सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ फीलिंग. एक आर्ग्यू करने की भी फीलिंग होती हैप्पीली फीलिंग होती है, सैड फीलिंग होती है. इस तरह से और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं. सो रीडिंग हमारी यहाँ तक आज कंप्लीट हो गई है. सो आज हम लोग जो है अब तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ ही कर लेंगे. क्वेश्चन आंसर्स इसके बहुत छोटे से हैं और 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं बस. सो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डू रूल्स हेल्प अस? जो रूल्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली. रूल्स की वजह से हम लोग क्या होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से और खुशी से रह सकते हैं. डू यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स? क्या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं? येस आई हैव. जी हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. लास्ट वन इज वट शुड काशिफ एंड अली हैव डन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग? कि काशिफ और अली को आर्ग्यू करने की बजाय क्या करना चाहिए था. काशिफ एंड अली शुड हैव टेकन टर्न्स इन फ्लाइंग द काइट. काशिफ और अली को टर्न्स का वेट करना चाहिए था कि पहले एक टर्न लेता और काइट को उड़ाता, एंड देन दूसरे की टर्न आती और वो काइट को उड़ाता.
ओके सो नेक्स्ट इज हमारा बुक वर्क है. बुक वर्क में हमने जस्ट बी वाला पार्ट करना है. बी वाले पार्ट में है कि आप लोगों ने थिंग्स के नेम लिखने हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. विच वन इज फूड, क्लॉथ्स, टॉयज एंड बुक्स. थैंक यू. अब आपने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉपी पे करने हैं. बुक वर्क जो है वो बुक पे ही करना है और इसको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है आपने. थैंक यू.